परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ, और जब से मैं मामा जी से जुड़ा हूँ मैं एक अपने आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी को देख रहा हूँ। मैं अपने परिवार में एक बड़ी बदलाव को देख रहा हूँ, और मेरे साथ जितने कलीसिया के लोग हैं उनमें भी एक बहुत बड़ी चेंजिंग को मैं देख रहा हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मामा जी से मिलने के बाद यहाँ पर एक नया अभिषेक में बढ़ता चला गया, और हमारी कई मीटिंग्स हुई, और मीटिंग्स में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को हमने देखा है, और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर काम कर रहा है। जब हमारी मीटिंग्स वहाँ चलती है तो काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और परमेश्वर कलामों को सुनते हैं, और एक बड़ी बेदारी परमेश्वर रांची में ला रही है। ये दूसरी ग्लोबल पास्टर मीटिंग कॉन्फ्रेंस में जब आज यहाँ पर, मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज मेरे साथ मेरी पत्नी, बच्चे और मेरे कलीसिया के लोग यहाँ पर उपस्थित है, और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है वो लोग। इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, मामा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, मम्मा को भी जय मसीह की। मैं पहले पास्टर कॉन्फ्रेंस में पहली बार जब आया था तो मैं इधर से जब मेरे चर्च में गया तो दो दिन शायद मैं ऐसे था, और बाद में जब मैं प्रेयर में था तो पवित्र आत्मा ने बात की कि आप फास्टिंग में जाओ। तब से लेके अभी तक मैं कंटिन्यू फास्टिंग में हूँ, और उसके दौरान जो करीब ये अगस्त की 7 तारीख को मम्मा मेरे दर्शन में आई थी, जब मैं प्रेयर कर रहा था और प्रेयर में जब रो रहा था मैं, तब मम्मा दर्शन में आई और मुझे छुई, और जो मेरे कभी कभार ये पीठ में जो दर्द रहता था वो सुबह में उठा तो बिल्कुल वो फ्री हो चुका था। और 11 तारीख को जूम मीटिंग थी, और उसके बाद मम्मा ने बोला आप प्रेयर में रखना, कुछ ना कुछ प्रभु दिखाएगा। तो प्रभु ने दर्शन में दिखाया था कि मैं आ रहा हूँ, आप कलीसिया तैयार रहना, ये लास्ट वार्निंग है, मैं आ रहा हूँ ऐसे करके। और कलीसिया में भी थोड़े लोग आ रहे थे, अभी बहुत बदलाव आ चुका है और बहुत लोग आने लगे हैं, और आत्मिक भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में मेरे लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था। मैं जब पहली बार ये ग्लोबल पास्टर कॉन्फ्रेंस में आया और उसी से मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और कंचन मित्तल मिनिस्ट्री का पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ, ये पूरे टीम का धन्यवाद करता हूँ। मैं मम्मा का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म। मैंने मम्मा से पूछा था, मम्मा सेवा कैसे शुरू करूं मैं? मम्मा ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन बैठी रही और देखती रही। मैं उनकी बातें समझ गया कि मुझे क्या करना और क्या करना चाहिए। मम्मा ने आत्मिक रीति से मुझे कुछ बताया तो मैंने उसमें बदलाव लाया, और जिस चीज़ों को मैंने बदलाव लाया उसमें चीज़ों को मैंने बदला। उसके बाद मम्मा ने फिर मुझे पास्टर्स मीटिंग में बुलाया, और हमारे घर में प्रभु की अनॉइंटिंग के साथ घर में प्रेयर्स मीटिंग भी शुरू हो गई। मम्मा ने जैसे कहा था आप दोनों मिलकर अद्भुत काम करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, और वो शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। जब हम प्रेयर करते हैं घर में तो मैं ये सोचता था कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा, या मेरी प्रार्थना करने से कुछ अद्भुत काम होंगे भी या नहीं भी होंगे, ये मन में एक शंका आती है। पर जब हमने मिलके प्रेयर की और जब कुछ लोग जमा हुए और वहाँ दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, तो मैं देख के हैरान हो गया कि मैं प्रभु हमारे जरिए क्या ही कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये सब श्रेय मैं मम्मा जी को दूंगा, और KMM मिनिस्ट्रीज ने मुझे फिर से खड़ा किया, मेरी स्पिरिचुअल आंखें खोली। मैं हृदय दिल से उनका धन्यवाद करूंगा और परमेश्वर का भी धन्यवाद। हालेलुया। मम्मा के साथ जुड़ने के बाद और जिस समय मम्मा ने कहा तुम मेरे बेटे हो, उस दिन के बाद से ज्यादा बदलाव चालू हो गया। हालेलुया। ये जब पद मिला, बेटा का पद मिला, तब और ज्यादा मम्मा के मिनिस्ट्री के साथ जुड़ाव, मम्मा के दोनों बेटों के साथ, अपोस्तल जी के साथ, पास्टर जी के साथ जुड़ाव, और ये जुड़ाव के साथ आत्मिक प्यार मिल रहा था, वो हमें बढ़ा रहा था। हम पहले से ही छोटी सी मिनिस्ट्री चला रहे थे, कम लोग थे, लेकिन उस मीटिंग में जाने के बाद हमने मम्मा जी के बोलने के हिसाब से थर्सडे और संडे प्रेयर रखना चालू किया। और जब जब यहाँ पे एनॉइंटिंग ऑयल का संडे होता था, हमने भी वहाँ पे एनॉइंटिंग ऑयल का संडे रखते थे, और उस दिन जैसा आत्मा का बहाव और आत्मा का काम यहाँ पे होता था, छोटी से झुंड में भी वैसा काम होता था, बीमार चंगे होते थे, गवाही आती थी, दुष्ट आत्माएं बाहर जाती थी,
अद्भुत काम होते थे। और जो वचन मैं उस दिन वहां शेयर करता था, वही वचन या अपोस्तल जी के मुंह से या मम्मा के मुंह से वो वचन निकलता था। तो ये बहुत अद्भुत था। मुझे लोग फोन करके बोलते थे कि आज आपने जो वचन बोला था सेम मम्मा जी ने और अपोस्तल जी ने वो वचन बोला। तो परमेश्वर बढ़ा रहा है। और इसका मैं और क्या बोल सकता हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, बस इतना ही बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ चेंज हुई है मम्मा के साथ और मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के, और मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं अपोस्तल एस के सैनी मधुबनी बिहार से आया हूँ। जैसे मैं यहाँ आया था, मैं प्रार्थना करते आया था, मैं इस वेदी के ऊपर एक जलता हुआ क्रूस, और जब मम्मा नीचे उतर रही थी तो दो शेर उनके अगल बगल खड़े थे, और जैसे जैसे वो प्रचार कर रही थी उसी तरह वो शेर घूम रहा था यहूदा का, और चारों ओर आग से घेरा हुआ था ये पुलपुट पूरा वेदी। और अभी जब प्रे कर रही थी मम्मा, तो मैं आत्मा में गया और वहां मैंने मुझे एक हंसुआ दिया गया, हंसिया जिस कटनी के समय काटने के लिए तैयार किया गया था, बोला ये हंसिया पकड़ और काटने के लिए तैयार हो जा। आमीन, आमीन। मैं अद्भुत, ये अद्भुत दर्शन, अद्भुत दर्शन है। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं बहुत आनंदित होता हूँ, मेरी आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। और इससे भी बड़ी बात है कि फिर मुझे शैतान भटका रहा था कि कहीं और चले जाओ किसी और दास के पास। मैंने कहा नहीं, जिस तरह जहां परमेश्वर बात करते थे मूसा से और यहोशू सिर झुका के खड़ा रहता था कि मेरा परमेश्वर जो कहेगा वही मैं मानूंगा, मैंने कहा मम्मा के पास मैं बुलाया गया हूं पर्ची डाल के, मम्मा जब तक मुझे नहीं कहेगी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को मॉर्निंग में आप प्रेयर कर रहे थे तो प्रभु ने इतनी अद्भुत सामर्थ्य के साथ भरा, यहाँ पे पूरी फायर थी वेदी पे और स्वर्ग से ब्लड आ रहा था, मैंने वो सब देखा। और जब मम्मा अभी आए, मम्मा कह रहे थे कि प्रभु की बातें सुनो, प्रभु की बातें सुनो, प्रभु बोल रहे थे कि बोल मेरे लोगों को मैं जल्द आ रहा हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, और अगर मन नहीं फिराएंगे यहाँ छूट जाएंगे, नाश कर दूंगा मैं, और मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा जन नाश हो।